नमस्कार, पंजाब की बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अभिलाषा। और आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 32 में से 28 किसान संगठन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं और चंडीगढ़ के कन्वेंशन सेंटर में 32 किसान संगठनों की बैठक चल रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान संगठन ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, ये कितनी बड़ी कामयाबी इसे कहें आम आदमी पार्टी के लिए, आगामी चुनाव के मद्देनजर किसानों का साथ मिला तो बड़ा फायदा होगा पंजाब में। देखिए अभिलाषा, अभी कामयाबी नाकामयाबी कहना समय से पहली बात होगी, और क्योंकि लगातार ही पंजाब और हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन काफ़ी हॉट रहा है, और इसी के चलते ही अब जो किसान नेता हैं जो लोगों के संघर्ष में साथ देते थे, अब कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले गुरनाम सिंह चूर्णी ने भी अपनी जो अलग से राह पकड़ ली थी और अलग से पंजाब में पार्टी की घोषणा कर दी थी, और इसी के चलते ही कल मुल्लांपुर में भी कई किसान संगठनों की लंबी चौड़ी बैठक हुई है, और उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो भी किसान संगठन अपने बलबूते के ऊपर राजनीति में उतरना चाहें वो उतर सकते हैं, और किसी का समर्थन करना ना करना वो हरेक किसान संगठन अपना देखेगा कि किसी का, क्योंकि इससे पहले जो किसान संगठन एकता उग्राहा था उसने साफ और स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि उसी का सबसे बड़ा दल कहा जा सकता है कि किसानों का, क्योंकि मालवा एरिया में उसका काफ़ी बड़ा आधार भी है, चाहे वो बठिंडा हो, मानसा हो, फरीदकोट हो, फिरोजपुर हो, इसी तरह संगरूर हो, बरनाला हो, पटियाला हो, यहाँ तक जो एकाधिकार कहा जा सकता है एकता उग्राहा का, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव में हिस्सा बिल्कुल ही नहीं लेंगे। जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो उनकी मर्जी है कि चुनाव लड़ें, और जहां तक किसान संगठनों की बैठक भी चल रही है।